हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। यूजीसी नेट ने एक नया फरमान निकाला है और उसी वो फरमान आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो अगर आपको इसी तरह के अपडेट और जो यूजीसी का जिस तरह से भी एक नया फरमान आया है तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बना के तुरंत आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर इसी तरह से एग्जाम और यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्जाम के रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी नया अपडेट अगर एग्जाम को लेकर आता है तो हम आपको तुरंत ही नोटिफाई कर पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूजीसी के जो नए फरमान है और जो भी यूनिवर्सिटीज और जो भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके एग्जाम्स के रिलेटेड जो सबसे बड़ी खबर आज आई है वो ये है कि तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं एबीपी लाइव न्यूज़ की वेबसाइट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई राज्य और कई यूनिवर्सिटीज है जिसने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के जताई असमर्थता। यानी कि फ्रेंड्स, अभी फिलहाल ही में यूजीसी ने एक रिवाइज गाइडलाइन निकाली थी जिसमें उसने कहा था कि जो फाइनल ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं वो एग्जाम सितंबर के एंडिंग तक हो जाने। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूजीसी ने इंस्टीट्यूट किया था एक गाइडलाइन जिसमें उसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो एग्जाम सेप्टेम्बर के एंड तक हो जाने चाहिए थे पर बहुत से कई स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज है जिनने इसका अपोज किया, जिन्होंने कहा है कि नहीं, हम इस जो एग्जाम है वो सितंबर के एंड तक कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि कुछ राज्य और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपोज किया है, पर फिर भी जो यूजीसी नेट है वो उनके जो गाइडेंस उन्होंने जो दिया है उनके इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है कि नहीं, एग्ज़ाम जो है वो सितंबर के एंड तक ही हो जाने चाहिए। तो यूजीसी जो है वो अपने सीट पर अड़ा हुआ है और जो बाकी स्टेट्स और जो थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपोज में लगे हुए हैं। तो अब बाकी तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं वक्त के साथ साथ आगे क्या होता है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अगर होते हैं तो एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के पहले गेट पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको देनी होगी कोरोना टेस्ट। मीन्स आप जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम सेंटर में तो अंदर गेट के अंदर जाने से पहले आपको जो है आपका कोरोना टेस्ट करवाना होगा जो एग्जाम सेंटर है उसके गेट पे। पर ये तभी होगा कि जब एग्ज़ाम्स जो है वो रखे जाएंगे जो कंडक्ट होंगे। पर कोरोना जो है वो किसी के भी फेवर में नहीं हो रहा है फिलहाल, जो केस है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो ना चाहते हुए भी यूजीसी को भी जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करने ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आज तक पे। आज तक में अभी महाराष्ट्र के जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और अच्छी न्यूज़ है फिलहाल। जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेज है वो महाराष्ट्र में बढ़ते ही जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत कोरोना के केसेज मिल रहे, इसीलिए महाराष्ट्र में जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके एग्जाम नहीं होंगे, वो जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आज तक में उनके न्यूज में भी बता दिया है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम, छात्र जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि जो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने भी ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो मानने से इनकार कर दिया। वो भी कह रहे हैं कि वो जो एग्ज़ाम है उसे एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क पे। न्यूज़ टुडे नेटवर्क पे भी यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे तो जो आपकी गवर्नमेंट थी तो आपकी गवर्नमेंट ने विरोध किया है परीक्षा के जो फाइनल ईयर की परीक्षा है उसे रद्द की जाए, इस विषय पर जो है आपकी गवर्नमेंट ने जो है विरोध किया। इसी के साथ जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है मीन्स कांग्रेस भी विरोध कर रही है यूजीसी के खिलाफ के जो जितने भी फाइनल ईयर के जो एग्जाम है जो परीक्षा है जो रखने की सोच रहे हैं उसे रद्द की जाए। सो फ्रेंड्स, जैसे ये न्यूज़ आई थी यूजीसी के रिलेटेड और हर एक एंट्रेंस एग्जाम और यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेवल रिलेटेड तो हमने तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आपको और अप टू डेट रहना है एग्जाम्स के न्यूज़ के रिलेटेड या फिर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड या यूजीसी के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी लेवल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, अगर आपको अप टू डेट रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।